रक्षाबंधन पर्व की तिथि के भ्रम के बीच बहनों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सावन पूर्णिमा के दिन भद्रा होने के शास्त्रों में अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं। इस बीच बाजारों में राखी को लेकर रौनक बढ़ गई है। रक्षाबंधन पर्व की तिथि को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति है। काशी और देव पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन पर्व सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो 11 अगस्त को है। रक्षाबंधन व श्रावणी कर्म में भद्रा वर्जित है। कई पंचांगों में रात में रक्षाबंधन का उल्लेख है। शास्त्रकारों में रात में रक्षाबंधन मनाया जाना वर्जित है। इस भ्रम के बीच बहनों ने रक्षाबंधन पर्व की तैयारी शुरू कर दी है। महंगाई के बीच भी बाजारों में राखी की मांग बढ़ गई है। बहनें राखियां खरीदने बाजार में पहुंच गई है। राखी लेने के लिए आई हूँ। राखी का त्यौहार है तो अपने भाई के लिए। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी राखियाँ आई हैं, पर कुछ महंगी भी है। बहुत फैंसी फैंसी राखी आई हैं। अब उसी दिन पता चलेगा, लेकिन बहुत एक्साइटेड है राखी मनाने के लिए, अपने भाई को राखी बांधने के लिए। इतना बड़ा त्यौहार है, साल में एक ही बार आता है। राखी तो एडी राखी है, डोरा राखी है, फैंसी डोरा है, कलकत्ता डोरा है, अहमदाबाद डोरा है। और राखी में 30% का इजाफा हुआ है, लेकिन मार्केट बहुत डल है। इस टाइम तो ऐसा लग रहा है कि आधा माल बिकेगा आधा नहीं बिकेगा। नहीं, कोरोना के चलते नहीं, मेरे ख्याल से अभी जो GST का मार पड़ा है उसमें है। कोरोना काल में तो इससे अच्छा व्यापार रहा हम लोगों का। गुरुवार को रक्षाबंधन का कार्यक्रम ये उचित है। रात्रि 8:52 के बाद में रक्षाबंधन का कार्यक्रम सबसे श्रेष्ठ है। अगर कोई कारणवश आदमी नहीं बंधवा पा रहा है तो शुक्रवार को प्रातः बंधवा करके इस त्यौहार को मनाया जा सकता है। वैसे विशेष करके मनुष्य को गुरुवार रात को ही, मतलब रक्षाबंधन का कार्यक्रम मानना चाहिए।